आज यहाँ पर देखिए, मैंने ये जो आपको दिखा रहा हूँ और ये मैंने जो ब्लर किया हुआ है, तो इसमें क्या खास है देखिए, इस वाले पेज पर जो है यहाँ पर मैंने बताया कि आप कोई भी ब्लॉक वर्ल्ड वाइड मूवी हो उसे अपलोड कर सकते हैं, चाहे ऑफिशियल चैनल की हो या कोई से भी चैनल की हो तो भी अपलोड कर सकते हैं ब्लॉक वर्ल्ड वाइड मूवी को। और दोस्तों यहाँ पर इस वाले पेज में बताया है कि यहाँ पर आप कॉपीराइट क्लेम वाली मूवीज़ कैसे फाइंड करेंगे जिससे आपके चैनल पर कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा, यानी कि आपको कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। तो इन दोनों पेज में आपको मैंने ये बताया, जो कि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट और रिसर्च कर यहाँ पर ये पेज बनाया है। छोटी सी डिटेल में अब आपके सामने यहाँ पर दिखा रहा हूँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रिसर्च करी गई है, जैसा कि आपको दिखाऊंगा आने वाले समय में। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूँ कि यहाँ पर जो आने वाली जो सीरीज़ है, अब उसकी जो वीडियोज़ आएंगी वो शायद एक ही साथ एक में आएगी आगे की। अब वो दोस्तों मैं आपको आगे डिटेल दे दूंगा अगली वीडियो में जो इसके बाद आएगी। आज की इस वीडियो में तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर आप कैसे लोगो क्रिएट करेंगे एक क्लिक में। तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि आप कैसे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, मूवी चैनल के लिए क्रिएट करेंगे लोगो। चलिए अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। अब जैसे कि दोस्तों हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आज की सीरीज़ की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने कैसे लोगो जनरेट करना है एक क्लिक कर अपने मोबाइल से कर सकते हैं या पीसी से कर सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था कि यहाँ पर आपको एक ब्लॉक वर्ल्ड वाइड मूवीज़ को भी कैसे अपलोड कर सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि मैं लाइव दिखाने वाला हूँ आप कैसे करेंगे ब्लॉक वर्ल्ड वाइड मूवी को भी दोबारा से अपलोड। और दोस्तों साथ में बताऊँगा कि आपने कौन सी मूवी अपलोड करनी है जो कि यहाँ पर अभी तक यूट्यूब चैनल पर किसी ने भी नहीं बताया है, और जिन्होंने भी है आपने देखा होगा कि आपके साथ वो सेम रिजल्ट नहीं मिला होगा आपको। तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये सीरीज, तो हो सके तो दोस्तों यहां पर शेयर करना इस सीरीज को या वीडियो को, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता लग सके तो अच्छा होगा। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप जानते हैं कि आप अर्निंग करना चाहते हैं वो भी काफी ज्यादा कर सकते हैं, जिनमें से मेरे चार चैनल है, एक चैनल को मैं आपको दिखा चुका हूं और यहां पर दो चैनल आने वाली सीरीज में मैं आपको दिखाऊंगा। और जैसा कि आपको बताया उसमें मैं ये भी बताऊंगा आपने कंटेंट कहां से फाइंड करना है और अर्निंग भी दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों हो सके तो यहाँ पर शेयर जरूर कर देना है वीडियो देखने के बाद। अभी तो फिलहाल मैं आपको इस वीडियो में, इस सीरीज की इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपने कैसे जनरेट करना है एक लोगो एक क्लिक कर अपने YouTube चैनल के लिए या मल्टीपल चैनल के लिए, जैसा कि आपको बोनस वीडियो में बताया था उसका भी आने वाली सीरीजों में यूज होगा, जो मैंने आपको बताए थे कि बोनस वीडियो में आप कैसे मल्टीपल चैनल बनाकर उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। तो हो सके तो दोस्तों यहाँ पर सारी सीरीज को देख लेना अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो। यहाँ पर चलिए जानते हैं अब आपने कैसे लोगो क्रिएट करना है अपने YouTube चैनल के लिए या कोई भी YouTube चैनल मूवी चैनल या कोई भी हो। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है जिसका नाम है hatchful.shopify.com। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिन लोगों को पता है तो आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, छोड़ के जा सकते हैं, जो भी आपको करना वो कर सकते हैं। और जिन लोगों को नहीं पता तो आप यहाँ पर देखें, सिंपल आपने स्टेप बाय स्टेप कॉपी करना है, एक क्लिक करके आपने यहाँ पर लोगो क्रिएट करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर hatchful.shopify.com पर आपको आ जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड, तो आपने उस पर क्लिक कर देना। अब देखिए दोस्तों आपने यहाँ पर जो है कि एक कैटेगरी चुननी होगी अपना लोगो क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको जो है ये कैटेगरी मिलती है फैशन, हेल्दी एंड ब्यूटी, होम एंड गार्डन, फूड एंड ड्रिंक, स्पोर्ट्स एंड रिकॉग। तो यहाँ पर देखिए ये सारी जो है कैटेगरी है, तो आपकी अगर इनमें से कोई कैटेगरी हो तो आप उन्हें चुन सकते हैं, वरना अगर नहीं है तो आपने नन ऑफ द अबोव कर देना, जैसा कि हमारे मूवी चैनल के लिए यहाँ पर कोई कैटेगरी नहीं है। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपल यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर आपने विजुअल स्टाइल बताना है कि आपका कैसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर बोल्ड लेंगे, तो बोल्ड के बाद यहाँ पर हम लेंगे एनर्जेटिक, तो हमने पहले से चूज किया है। और यहाँ पर आप इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, क्लेम, रिलायबल, क्लासिक, तो यहाँ पर हम एनर्जेटिक भी ले लेते हैं और उसके बाद इनोवेटिव भी ले लेते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ पर सिंपल सा नीचे चले जाना है, और नीचे जाने के बाद आपने नेक्स्ट कर देना है, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। तो आपने इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने यहाँ पर आ चुका है बिजनेस नेम। जैसा कि बिजनेस नेम का मतलब है आपके चैनल का नेम क्या है, उस चैनल का नाम आपने बताना है। जैसे कि हमने अपने चैनल का नाम लिखा है हॉलीवुड मूवी हिंदी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हॉलीवुड हिंदी मूवी। तो यहाँ पर मैं इतना बड़ा यहाँ पर नाम लिख देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर सिंपल आपने एक क्लिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि अपने लोगों के नीचे लगाना कोई भी यहाँ पर स्लोगन, तो आप वो भी लिख के लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक क्लिक करके दोस्तों आप जनरेट करने वाले हैं। बस आपने अब यहाँ पर बताना है आप किस लिए यहाँ पर अपना यहाँ पर लोगो चाहते हैं, सोशल मीडिया के लिए या वेबसाइट के लिए, ऑनलाइन स्टोर के लिए। और दोस्तों मैं आपको आने वाली एक और सीरीज़ में बताने वाला हूँ कि आप कैसे ऑनलाइन स्टोर बनाकर जिसमें कॉपी पेस्ट करके अर्निंग
नहीं कर सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कम प्राइस रखकर, वो भी आपको एक नेक्स्ट सीरीज में मिल जाएगी इस सीरीज़ के ख़त्म होने के बाद शायद। उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा ऑनलाइन स्टोर कैसे क्रिएट करते हैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। हो सके तो दोस्तों यार सपोर्ट करो इस चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने सोशल मीडिया पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके जो हैं लोगो यहाँ पर जनरेट हो चुके हैं। अब यहाँ पर जो हैं सारे लोगो आ चुके हैं और आप जितना नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे तो उतने आपके सामने लोगो आते जाएंगे। तो अब आपने इनमें से सिंपल आपको जो है ऑप्शन है, जो आपके पास ऑप्शन है कि अब आपने इनमें से एक लोगो को चूज़ करना है जो भी आपको पसंद आता है। मुझे ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं इसे भी चुन सकता हूँ, या और भी हैं यहाँ पर लोगो दोस्तों, आपको कमी नहीं पड़ेगी इनमें से लोगों की यहाँ पर, इसलिए आप यहाँ पर काफ़ी सारे लोगो जनरेट करके कोई सा भी पसंद कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं जैसा कि अभी आपको सिखा रहा हूँ तो कोई सा भी लोगो ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैं जैसा कि ये है हॉलीवुड मूवी हिंदी मूवी, मुझे ये काफ़ी ज़्यादा ठीक लग रहा है तो मैं इस पर क्लिक करके इसे ले लेता हूँ। तो इस पर आपने सिंपल क्लिक करना है और यहाँ पर दोस्तों फ्री है, आपको पे करने की ज़रूरत नहीं है, ये वेबसाइट बिल्कुल आपको फ्री में देगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं अपने इस लोगो में, या कुछ ऐड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिखाया है बिजनेस नेम आप चेंज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, फॉन्ट बदल सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए तो अब आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। तो डाउनलोड ओके ऑप्शन के लिए आपको यहाँ पर साइनअप करना होगा, जो कि आपकी कोई भी जीमेल आईडी हो उससे आप साइनअप कर देंगे। तो यहाँ पर जैसा कि मैं जीमेल आईडी से साइनअप हो जाता हूँ। अब जैसे ही दोस्तों आप साइनअप हो जाते हैं तो देखिए यहाँ पर ऑल डन, योर लोगो पैकेज एंड डिजाइन फाइल हैज बीन सेंड टू kartikkumar6311@gmail.com। जो भी आपकी आईडी है उस पर आपको सेंड कर दिया गया है वो लोगो का लिंक जहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए आपको अपनी जीमेल आईडी पे आ जाना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले जो आपको मैसेज मिलेगा तो आपने इसे ओपन कर लेना है जीमेल आईडी में। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, तो आपको कुछ इस तरीके से आपकी जीमेल आईडी में ये दिखेगा डाउनलोड का ऑप्शन लोगो का। तो दोस्तों आप यहाँ से जितने भी लोगो डाउनलोड करेंगे वो सारे आपकी जीमेल आईडी पे सेंड कर दिए जाएंगे और आपको ऐसा बटन मिलेगा डाउनलोड करने के लिए। तो आपने सिंपल यहाँ पर डाउनलोड के बटन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी जो है डाउनलोडिंग हो जाएगी वो लोगो की। तो सिंपल दोस्तों आपने अब इसे ओपन करना होगा और आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। देखिए तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर चलता हूँ लेकर। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर आपने ये विनरार फाइल में मिलेगा, तो आपने एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो आपने एक्सट्रैक्ट फाइल पर क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है और इसमें आपको जो है सारे सोशल मीडिया के जितने भी यहाँ पर आपको अकाउंट देखने को मिलते हैं उनके आपको सारे लोगो मिल जाएंगे इसी एक फोल्डर के अंदर एक क्लिक करके। तो देखिए अब यहाँ पर आपने ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो फोल्डर मिला है इसमें आपको सारे के सारे मिल चुके हैं, जैसे फेसबुक, फेसबुक कवर फोटो, प्रोफाइल फ़ोटो, फेविकॉन और यहाँ पर इंस्टाग्राम प्रोफाइल, यहाँ पर सारी सोशल मीडिया के आपको आइकन मिल चुके हैं। तो सिंपल दोस्तों आपने अब यहाँ पर चैनल में जाना है अपने। अब चैनल में जाने के बाद आपने सिंपल ब्रांडिंग पे क्लिक करना है और ब्रांडिंग पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर अपलोड पे चले जाना है। अपलोड पर जैसे ही जाएंगे दोस्तों आपने यहाँ पर डाउनलोड में चले जाना है जो आपने डाउनलोड किया है, और यहाँ पर हेडफोन में जाकर यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखना होगा यूट्यूब प्रोफाइल। तो यूट्यूब प्रोफाइल जो है यहाँ पर ये रही, तो हमने इस पर क्लिक करना है और ओपन कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपसे ये पूछेगा, तो आपने डन पर क्लिक कर देना है। और ऐसे ही कर आप अपने YouTube चैनल के लिए लोगो बना सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए लोगो बना सकते हैं इस वेबसाइट की मदद से। और दोस्तों आपको अगर बैक कवर बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं canva.com वेबसाइट, जिसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी काफ़ी सारे सोशल मीडिया प्रोफाइल, थंबनेल बनाना, काफ़ी कुछ मिल जाता है। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट, यहाँ पर आपको आना है canva.com सर्च कर, जैसा कि मैं यहाँ पर आपको लेकर चलता हूँ। अब जैसा कि इस वेबसाइट है आप आओगे तो देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे होम, ऊपर जितने भी ये देख रहे हैं मेन मेन्यू, तो आपने टेम्पलेट पर क्लिक करना है। अब टेम्पलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो यूट्यूब चैनल आर्ट पर आपने क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ से आप अपने चैनल की आर्ट बना सकते हैं, जो बैक कवर होता है जो आप देखते होंगे, तो आप वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं, आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, फ्री में मिलते हैं दोस्तों। और आप यहाँ पर अपने चैनल का जो भी अपना लगाना चाहते हैं मूवी के लिए कुछ भी, तो आप इसकी मदद से यहाँ पर कवर बना सकते हैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल के लिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ब्रांडिंग की। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पर फिर से अपलोड पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना लोगो लगा लेना है, जो भी आपके यहाँ पर फेविकन है, जैसा कि मैं आपको फेविकन वाला लगा देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि ये काफ़ी बेकार है तो मैं दोबारा चेंज करता हूँ और यहाँ पर हम प्रोफाइल वाला ही लगा देते हैं। तो प्रोफाइल वाला ही आपने यहाँ पर लगा देना है और डन पर क्लिक करना है। तो आपका ये जब भी कोई वीडियो चलेगी तो कंप्यूटर या उस पीसी में, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा आपका ब्रांडिंग
चैनल का। तो उसके बाद दोस्तों आपने पब्लिश पर क्लिक कर देना है। ऐसे कर आप एक क्लिक में अपने लोगो जनरेट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। और दोस्तों वीडियो खत्म करने से पहले आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जैसा कि यहाँ पर काफी लोग यूट्यूब पे बताते हैं कि आप यहाँ पर ऐसी एडिटिंग करें वैसी एडिटिंग करें, शायद मैंने भी बताया था, लेकिन आपको मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐसा कुछ करने से कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितनी भी एडिटिंग कर लो, चाहे कितनी भी यहाँ पर उसकी वॉइस एडिट कर लो या वीडियो एडिट कर लो, तो भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक या आपको ब्लॉक वर्ल्ड वाइड देखने को मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर। लेकिन इसका सॉल्यूशन मैंने आने वाली जो सीरीज़ हैं उनमें बताया है। हो सके तो दोस्तों उन सीरीज़ को ज़्यादा देखना, अगर आपने ये भी नहीं देखी ना तो आप उन सीरीज़ को जरूर देखना, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाला, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया और किसी यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो ख़त्म करते हैं और इसे शेयर कर देना जितने ज़्यादा हो सके। चलिए तो चलते हैं।